हेलो एवरीवन, दिशा जीवाशी। और अभी जैसे चल रहा है, वैसे होता तो हर मौसम में ही हेयरफॉल हेयरबल का प्रॉब्लम हर किसी को जिनका होता है, वो समर हो, विंटर हो या फिर कोई भी मानसून हो, मौसम में हेयरफॉल होते ही रहता है जिनका हेयरफॉल का प्रॉब्लम होता है। या किसी किसी का ऐसा होता है कि सीजनल हेयरफॉल होता है, जैसे कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका विंटर में हेयरफॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मानसून में हेयरफॉल होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका समर में हेयर फॉल होता है। सो अगर ये सीजनल हेयर फॉल होता है तो उसका बहुत सारा रीज़न होता है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से हो सकता है चेंज हुआ, या बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि जगह चेंज होता है, पानी चेंज होता है, खाना पीना चेंज होता है, या फिर वो लाइफस्टाइल होता है वैसा काम होता है, सो उस वजह से भी होता है। बट जिनका हर मौसम में हेयर फॉल हो रहा है या हेयर थिन हो जा रहा है हेयर फॉल होते होते, उनको हेयर फॉल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, वैसे सीजनल जो हेयर फॉल होता है उसको हेयर फॉल प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, वो आप थोड़ा सा टेक केयर करेंगे तो आपका वो हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। बट जिनका हेयर फॉल हर मौसम में होता है, हर टाइम होता है, वो आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम होता है। सो हेयर फॉल का बहुत सारा ऐसा क्लाइंट होता है जो ट्रीटमेंट के लिए सलोन में भी आते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, और जैसे हम लोग एज अ हेयर ड्रेसर एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बात करते हैं कि हमारा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या करना चाहिए जिससे हेयर फॉल कम होगा। सो बेसिकली हेयर फॉल जो होता है वो ऐसी अननेसेसरी हेयर फॉल नहीं होता है, हेयर फॉल होने का बहुत सारा रीज़न होता है, जो रीज़न के बारे में आज बात करेंगे कि सलोन में जो ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं तो वो बेनिफिट भी मिलता है, और बहुत सारे क्लाइंट का ये भी होता है कि हेयर फॉल का मैंने ट्रीटमेंट करवाया, वो जैसा का तैसा ही रह गया, हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हुआ। इसलिए आज वही बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल सिर्फ अगर आपने सलोन में ट्रीटमेंट करवाया है या कुछ होम केयर लिया है या शैम्पू किया या कोई भी एनी अदर ट्रीटमेंट किया है जो है जिससे आपको लगता था कि हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। सो देखिए, सलोन में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता है ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि उस चीज़ से या उस ट्रीटमेंट से हेयर को या आपका प्रॉब्लम को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। मिलता है क्यों, इसलिए मिलता है क्योंकि मैं जो अभी इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ कि हेयर फॉल किस किस इंग्रेडिएंट्स बॉडीज़ में कौन सा प्रोटीन्स कम होने की वजह से आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है। सो जो भी सलोन में जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, सो उसी इंग्रेडिएंट्स में से वो प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है, बनाया जाता है। जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर पे जाके जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो प्रोटीन बनता है, वही सारा चीज़ों वही सारे इंग्रेडिएंट्स वही सारे प्रोटीन से जो भी ट्रीटमेंट्स आपका होता है सलोन में वो बनाया जाता है। सो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं सलोन में वो बेसिकली आउटर साइड से होता है, हेयर के ऊपर होता है। एंड आप अगर उस ट्रीटमेंट को और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए या उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बट वो आपका ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल ट्रीटमेंट का, कि आपके बॉडी में जब कोई प्रोटीन कम होता है या कोई विटामिन्स कम होता है जिससे हेयर पे इफेक्ट पड़ता है, वो प्रोटीन जिससे हेयर रिलेट करता है, अगर उस प्रोटीन अगर आपके बॉडी में कम हो रहा है या नहीं आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो हेयर उस तरीके से हेयर को वो प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, सो उस केसेस में आपका हेयर फॉल हो सकता है, और उसी केसेस में ज़्यादातर हेयर फॉल होता है। सो अभी बात करेंगे कि कौन कौन सा प्रोटीन्स होता है जो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। है तो काफ़ी सारा, बट मैं उसमें से 5 सेलेक्ट किया हूँ जो हेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होता है, और अगर हमारे हेयर के लिए जो गुड प्रोटीन्स होता है कि हम क्या खाएं और क्या कंज्यूम करें जिससे हमारे हेयर को बेनिफिट्स मिले, हमारा हेयर फॉल कम हो, हमारा हेयर शाइनी हो, थिक हो, लॉन्ग हो, कौन कौन सा चीज़ ऐसा है जो हम कंज्यूम करें, घर पे खाना स्टार्ट करें जिससे मेरा बाल सही हो, हम करेंगे उस बारे में, उस प्रोटीन्स के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या खाना चाहिए, उस फूड के बारे में कि क्या खाना चाहिए जिससे हमारा हेयर अच्छा हो, हेयर फॉल कम हो एंड घने लंबे बाल हो। सो सबसे पहले जिसमें से मैंने 5 है तो काफ़ी, जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको काफ़ी सारा ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कंज्यूम करने से, जो खाने से हमारे बालों के लिए बेनिफिट्स होता है, बस उसमें से मैंने कुछ 5 ऐसे अच्छे और ईजी सेलेक्ट किया है जो आप नॉर्मली घर पर कर सकते हैं, खा सकते हैं और अपने बालों को अच्छा हेल्दी कर सकते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट है लेमन का जूस। लेमन जूस जो है आप उसको, आप अगर पॉसिबल हो तो डेली बेसिस पे आप उसको कंज्यूम करें, जिसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ साथ स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बट स्किन के साथ साथ जो है वो हेयर से भी काफ़ी रिलेटेड है, जो विटामिन सी हेयर को काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन देता है, और जो हमारे बॉडीज़ में कैरेटीन होता है ना, कैरेटीन प्रोटीन जो कैरेटीन प्रोटीन को बनने में हेल्प करता है, उसमें से एक इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है विटामिन सी, जो लेमन जूस के साथ या लेमन खा के आप उसको फील कर सकते हो, अपने हेयर के लिए प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हो। एंड सेकेंड है जो है विटामिन डी। विटामिन डी का देखें, विटामिन डी में भी बहुत सारा वैसा है कि आप उसका कुछ खा के आप उसको मिल्क दूध
दूध जो होता है मिल्क आप उसको कंज्यूम करके कर सकते हैं, या जैसे कि सबको जो चीज़ पता है कि सन धूप में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है, तो अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग का आप सन कंज्यूम करें बॉडीज़ पे धूप में। अगर वो टाइम नहीं होता तो आप ऐसा विटामिन डी का कोई इंग्रेडिएंट्स है जिसमें से एक मिल्क भी आता है वो भी आप खा सकते हैं पी सकते हैं, उससे भी आपका हेयर काफ़ी रिलेट करता है विटामिन डी से। एंड जिंक, जिंक प्रोटीन जो है वो आपको हेयर से रिलेट करता है, आपके बॉडी में अगर जिंक का प्रोटीन कम होता है तो उससे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है और होता है, जो आप नॉर्मली काजू खा के आप उसको पूरा कर सकते हो। अगर आप काजू नहीं खाते हैं तो खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप काजू खाते हो और आपके बॉडीज में वो प्रोटीन जिंक प्रोटीन स्टोर होता है तो वो डाइट आपके हेयर को हेल्दी रहने के लिए हेल्प करने को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, जिसमें से एक बायोटिन प्रोटीन है। बायोटिन प्रोटीन आपको ज़्यादा आपको ज़्यादा मिलेगा आलमंड्स जो होता है ना, आलमंड्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो आलमंड्स से बायोटिन प्रोटीन आपके बॉडी पे स्टोर होता है, जो आपके डायरेक्ट हेयर से कनेक्ट करता है हेयर हेल्दी करने में। एंड फिफ्थ वन है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है वो सेलेनियम का रिसोर्सेज, वो बहुत सारे चीज़ खाने से आपके बॉडी में सेलेनियम प्रोटीन्स आपके आ सकता है, जैसे कि मशरूम खाने से आपके बॉडी में सेलेनियम का प्रोटीन आ सकता है, नट्स खाने से आपका आ सकता है, सीड्स खाने से आपको सेलेनियम प्रोटीन आपके बॉडी में फील हो सकता है, जो भी डायरेक्ट हेयर के साथ कनेक्ट। बेसिकली ये चार ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आपको ये हर जगह हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत इजी अवेलेबल होता है सबके पास में, इनफैक्ट हर किसी के घर में भी होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये नहीं होता, अदरवाइज हर कोई हर किसी के घर पे ये इजीली मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है। बट आप अगर ये सारे चीज़ रिलेट करता है आपके हेयर फॉल से, अगर ये सारी चीज़ों का प्रोटीन्स जो है जिसमें से अगर आपका बॉडी में से कुछ भी एक भी प्रोटीन्स अगर आपके बॉडी से कम हो रहा है सो आपके हेयर फॉल का चांसेस बढ़ सकता है, जिसमें से आता है लेमन खा सकते हो आप, धूप में थोड़ा मॉर्निंग में धूप आप ले सकते हो अपनी बॉडी पे, या मिल्क खा सकते हो, काजू खाएं जिससे आपका जिंक प्रोटीन होता है, बायोटिन प्रोटीन आपके आलमंड से पूरा हो जाएगा, सेलेनियम प्रोटीन जो है वो आप मशरूम नट्स एंड सीड्स के साथ आप उसको खा के पूरा कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ अगर आप रेगुलर कुछ टाइम तक आप अपने इसको हैबिट में डाल लेते हैं, डेली लाइफ में डाल लेते हैं, सो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपका हेयर फॉल कम हो जाए या आपका हेयर हेल्दी रहेगा, लॉन्ग टाइम तक अपने हेयर को एंजॉय कर सकते हो, लंबे बाल रख सकते हो, आपका हेयर फॉल कम होगा, साइन रहेगा आपका हेयर में, रफनेस नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बॉडी प्रोटीन आपके हेयर को वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो आपको हेयर को चाहिए, सो आपका हेयर हेल्दी रहेगा। सो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।